नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आलू के ताज़ा मंडी भाव व महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बात करेंगे आलू का निर्यात बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाएगी सरकार। किसान भाइयों, सरकार आलू को निर्यात करने जा रही है, जो कि किसानों के लिए रात की बात है। इस वर्ष शुरुआती टाइम में बारिश की वजह से बुआई लेट हुई, फिर बुआई के बाद भी बारिश से फसल नष्ट होने से किसान भाइयों को आलू की बुआई दोबारा करनी पड़ी। मौसम की अनिश्चितता से आलू की बुआई का क्षेत्रफल भी कम हुआ। इसके अलावा जब फसल तैयार होने के कगार पर थी, तब भी बेमौसम बारिश से आलू की फसल सड़ने से किसान भाइयों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इन सब के बावजूद 2021 के मुकाबले इस वर्ष आलू का उत्पादन भी करीब 30% कम है। इस साल आलू के दाम 10 रुपये प्रति किलो के करीब बने हुए हैं, लेकिन नुकसान को देखते हुए किसानों को आलू के दाम कम से कम 20 रुपये प्रति किलो तक मिलने चाहिए, तो ही थोड़ी बहुत नुकसान की भरपाई होना संभव है। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार आलू को निर्यात करने जा रही है। किसान भाइयों, इन दिनों पड़ोसी देश श्रीलंका में आलू के दाम 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। श्रीलंका ने भारत से आलू की मांग की है। भारत सरकार ने श्रीलंका को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अगर भारत श्रीलंका को आलू निर्यात करता है तो आलू के दाम बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं। किसान भाइयों, ये सब कुछ पत्रिकाओं में छपे लेख के अनुसार संभावनाएं व्यक्त की गई है। अपनी फसल बेचने व स्टोर करने का निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।